हम लोग जब मम्मी के लिए साड़ी लेके आए, मम्मी को आइडिया नहीं है कि मम्मी के लिए साड़ी खरीदे, तो बड़ा मजा आएगा जब मम्मी अपनी साड़ी देखेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि हम पक्का कुछ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है, वो खुश होने के बजाय उल्टा भी कर सकती है, नाराज भी हो सकती है। मम्मी का रिकॉर्ड रहा है कि वो गुस्से से भागने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे जबरदस्ती मत दिलाओ, ऐसा सीन है। नाराज हो सकती है और बोल सकती है कि ये बहुत खराब है। Hey guys, welcome back to my channel. Good morning. सुबह के बज रहे हैं 11. I just woke up. Okay, don't judge me. कि मैं 11 बजे सो के उठती हूँ, क्योंकि मैं सुबह लेट सोती हूँ, मतलब 4 बज जाते मुझे सोने में। और अगर मुझे कुछ काम रहता है, अर्ली मॉर्निंग का शूट है, ऐसा कुछ भी अर्ली मॉर्निंग का रहता है, तो मैं टाइम से उठ के टाइम पे पहुँच जाती हूँ। तो ये जस्ट मैं लेट सोती हूँ तो मैं लेट उठती हूँ, तो प्लीज़ डोंट कंप्लेन। और जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ मिल चुका होगा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, और सैटरडे संडे को फुल कर्फ्यू रहेगा, प्लस जो बाकी के वीकडेज हैं वहाँ पे रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। प्लस मॉल्स बंद हो चुके हैं, जिम्स बंद हो चुके हैं, इस टाइप के जो पब्लिक गैदरिंग वाला सीन था वो बंद हो चुका है। 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो उन पर फाइन लग सकता है, या उन्हें मना किया जा सकता है कि मत खड़े रहिए। तो थोड़ा बहुत मतलब बोलते ना, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। एक हफ्ता पहले इस टाइप का थोड़ा एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि अभी 11,000 केसेस आ रहे हैं गाइस, 11,000। ओके, मैं आपको पकाती नहीं हूँ, और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बट स्टिल प्लीज स्टे सेफ, क्योंकि जान है तो जहान है। मेरे दिन की शुरुआत होती है नारियल पानी के साथ। मुझे नारियल पानी पीना बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है नारियल पानी मेरे बालों के लिए बड़ा अच्छा है। बाल इतने लंबे हो गए हैं, मैं किसी दिन आपको प्रॉपर एक व्लॉग दिखाऊंगी मेरे बालों का। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में इश्यू हो जाता है, पर आजकल काफी अच्छे हैं। मैं पिछले 3 महीने से स्ट्रेट एवरीडे नारियल पानी पी रही हूँ, और इसका फायदा क्या दिख रहा है मुझे वो मैं क्लियरली नहीं बता सकती, पर मेरे बाल काफी हेल्दी शाइनी हो गए हैं पहले से, मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे। और लोग बोलते हैं स्किन के लिए भी काफी अच्छा है, तो टच वुड, मेरा नेचुरली मेरे स्किन में कोई इश्यू नहीं है, कभी भी नहीं था, लाइक यू नो एक्ने या पिंपल्स या ऐसा कुछ भी मेरे फेस के साथ कभी भी नहीं था। तो आई डोंट नो ये कितना फायदा कर रहा है मेरे स्किन के लिए, बट ऑब्वियसली आई कैन सी बालों के लिए वेरी नाइस, प्लस इट कीप्स यू हाइड्रेटेड। सो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं, मेरे जो कपड़े हमने खरीदे थे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, साड़ी शॉपिंग के लिए, तो वो साड़ी आज मुझे पिकअप करनी है। अभी हमें यहाँ पे टेलर ढूंढना है और ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देना है, जो कि बहुत बहुत बड़ा काम है यार। और एक तो यहाँ पे स्टिचिंग कितनी महंगी है, लाइक सिंपल ब्लाउज का स्टिचिंग होता है 800 रुपये में, स्टार्टिंग 800 रुपये में स्टिचिंग होता है। अगर आप उसमें थोड़ा और डिज़ाइन लगा लो तो वो 1,000 तक पहुँच जाएगा। लहंगा है तो 2,000 है, ड्रेस है तो वो कुछ 600 या 700 है, मतलब यहाँ पे स्टिचिंग बहुत एक्सपेंसिव है। और कभी कभी लगता है कि आप 1,500 का मतलब सूट का कपड़ा खरीद के लाते हो और स्टिचिंग हो जाती है 800, दैट मीन्स ये अराउंड 2,500 का कपड़ा हो जाता है आपका स्टिचिंग के साथ। और वही आप मॉल में 2,500 में पूरा रेडीमेड अच्छा खासा कपड़ा खरीद सकते हो। बोलना ना, हम साड़ी ना ले, कोरोना में कहा चूड़ी लाएं, कहा ब्लाउज सिवाएं, कहा पेटीकोट है, हमके ना चाहिए, कोरोने है बाटे तो रहो कोरोना, हम ना घर में से बाहर ले। काहे ना सैड बड़ी ते गुस्सा आवत है, घर में बंद बता पंखा बंद कर दो, लकिया बंद कर दो, भागो यहाँ से। तो हम लोग जा रहे हैं पिकअप के लिए साड़ी, और मम्मी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया, वो घर के बाहर नहीं जा सकती ज्यादा, तो उसको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रही है वो, कल से जब से अनाउंस हुआ है कि लॉकडाउन का सीन होने वाला है। साड़ी चाहिए नहीं, हम एक लेने आए थे, 4 लेके गए थे।
अरे वाह ये मत खोलिए, ये कलर नहीं, नहीं ये साड़ी ये भी कलर है, ये मत खोलिए। पर ये देने के लिए ठीक नहीं, इसमें काला रंग है, शादी में देना है। थोड़ा शक्कर ज्यादा है उसमें, ये कम शक्कर है थोड़ा। इसका शक्कर कितना है? मीडियम शक्कर। कम मीडियम शक्कर 3000 हैंड वर्क पूरा। इसमें कलर है क्या? प्लीज बोल दो। हाँ कलर है। हाँ व्हाइट नहीं है, क्रीम। स्टार्टिंग रेंज क्या है यहाँ का? 2000 से स्टार्ट है। और ज्यादा कितना ऊपर है? 50,000 7,000 गोल्डन भी है, गोल्डन नहीं चलेगा। नहीं तो हम लोग जिस दिन आए थे एक साड़ी लेनी थी, चार लेके गए थे। आज एक लेने आए, एक ही लेके जाएंगे। काफी अच्छी दुकान है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो कहाँ पे हम लोग। एक मिरर वर्क के साथ ये वाले अच्छे लगे, ये ब्लाउज दिया हमारे। तो ये हूँ मैं और ये है इनकी दुकान। ये वाले रखो ना फिल्म। हाँ इनके पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और ये गाउन है, इधर ये रहा गाउन, अंदर पूरा कलेक्शन है गाउन का, लाइक वेरी नाइस। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाउन्स हैं और लहंगे भी है, ब्राइडल लहंगे। अब क्या ब्राइडल लहंगे का रेंज क्या है? 25 से शुरू होता है, मतलब चेस के ऊपर है, बाकी 10,000 से मिलते हैं हमारे। ओके तो प्रॉपर ब्राइडल 20 अप वाला जाता है। और कितना ऊपर जाता है? 1,00,000 1.5 लाख ना, 1.5 लाख के लहंगे रखते हो आप लोग? गुड। ये गाउन ये 50-60 के बीच में, ये सब 50-60,000 के हैं। पैसे उड़ाने हैं तो आ जाओ। और ये देखो ये वाला ब्रेडल वाला है, ये सब प्रॉपर ब्रेडल 50 अप वाला सब। जाते हुए शर्मा रहे हैं कैसे? मुझे तो पता ही चल कैसे 45 हो गया। सही बात। अब तो इंजेक्शन लेना है तो बताना पड़ेगा ना। 45 साल बताते हैं। तो हमारी शॉपिंग हो गई, हम लोग जा रहे हैं बिलिंग के लिए। इम्पीरियल फैमिली फैशन, ये बहुत अच्छा फैशन हाउस है। हाँ। लेयर्स हैं और जेंट्स और लेडीज और किड्स सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे। मेरा काम ये करने लगे हमसे। मैं तो सेलिब्रिटी हूँ तुम्हारे साथ ना, एशियन ओके। और मुझे गरीब कर दिया है। रुक जा रुक जा रुक। थैंक यू। तो ये है वो शॉप, शॉपिंग हो गई, कपड़े भी पिकअप हो गए। मैं घर जाके दिखाती हूँ कि हमने क्या खरीदा। और अगर आप मलाड में हो, शॉपिंग करने मलाड आ रहे हो, तो प्लीज ये जगह एक बार देख लो इस टाइम, क्योंकि रश नहीं रहती यहाँ पे, 3 फ्लोर में डिवाइडेड है, तो यू नो शॉपिंग में ठीक है, मतलब अच्छी जगह है शॉपिंग करने के लिए। मैं भी यहाँ पहली बार आई, कोई प्रमोशन नहीं, उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, बट जिसमें बता रही हूँ बहुत अच्छी जगह है, आप शॉपिंग यहाँ कर सकते हो। तो ये दुकान बाहर से ऐसी दिखती है और ये 3 फ्लोर की है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बजट अगर आपका मतलब 2000 के ऊपर या लहंगों के लिए 20,000 के ऊपर है, तो यहाँ पे प्लीज विजिट करिए। उनके पास 20,000 से लेके 1.5 लाख तक के लहंगे हैं ब्राइडल, तो शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पक्का मिल जाएगा। और काफी मतलब बोलते ना डे वेडिंग या नाइट वेडिंग या हर नॉर्थ वेडिंग, महाराष्ट्रियन वेडिंग, हर टाइप की चीजें इनके पास। ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हो मेवाड़ क्रेज, ये पूरा वेडिंग कलेक्शन से भरा पड़ा है। और फिर शॉपिंग करके अगर बैग कम पड़ जाए तो यहाँ से बैग भी ले सकते हो।
बस मजाक है, सीरियसली नहीं। पर सच में आपको यहाँ पे बैग वैग मिल जाएगा, VIP है यहाँ पे, कैप्रिसी है, अमेरिकन टूरिस्ट भी, काफी ब्रांड्स हैं यहाँ पे। कोई बीमार हो गया तब कितनी बार तक करते रहेंगे यार। थोड़ा सब्जी ले रहे, मैंने सब्जी ले ली, पापा फ्रूट ले रहे। Hey guys, welcome back. तो हम लोग थोड़ा सा सब्जी लेने के लिए रुके थे और हमने सब्जी ले ली, अब हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग मोहल्ले में ही हैं। नहीं गया ना, इतना हो गया, खड़ गया, डर गया। चलो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो पापा के जो असिस्टेंट है प्रभात, जो पिछले व्लॉग में दिखाई दिए होंगे, उनकी शादी है और वो कल जा रहे हैं गांव, कल पटना जा रहे हैं। तो ऐसा था कि बैचलर पार्टी होगी, पर ऐसा ना कोरोना का हुआ है बॉम्बे में कि लोग कॉफी पीने भी नहीं, मतलब ठीक से मिल पा रहे हैं। डर लग रहा है कि कोविड हो ना जाए एंड मूवमेंट पर। उनकी टिकट 18 की थी, पर जल्दी से उनको प्रीपोन करना है बोला, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉकडाउन हो गया या वो जा नहीं पाए तो फिर से शादी एक साल और पोस्टपोन हो जाएगी। ऑलरेडी एक साल पोस्टपोन हो चुकी है। तो बाबा बोले भाई तू निकल यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इतना खराब हो रहा है बॉम्बे में। तो वो बेचारे की आज की पार्टी भी कैंसिल हो गई, बैचलर पार्टी भी कैंसिल हो गई। अच्छा मैं क्या बताना चाह रहा, हाँ तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग जब मम्मी के लिए साड़ी लेके आए, मम्मी को आइडिया नहीं है कि मम्मी के लिए साड़ी खरीदे हैं, तो बड़ा मजा आएगा जब मम्मी अपनी साड़ी देखेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि हम पक्का कुछ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है, वो खुश होने के बजाय उल्टा भी कर सकती है, नाराज भी हो सकती है। मम्मी का रिकॉर्ड रहा है कि वो गुस्से से भागने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे जबरदस्ती मत दिलाओ, ऐसा सीन है। नाराज हो सकती है और बोल सकती है कि ये बहुत खराब है, बिना बताए हमको ले लिए। बाद में भले बोले कि नहीं अच्छा है, लेकिन हमको गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी माहौल खराब कर देगी गुस्से से। हाँ तो मम्मी का रिएक्शन देखने लायक होगा और एंड तक वीडियो देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन आता है। वो हमारे लिए भी सरप्राइज है कि वो कैसा रिएक्ट करती है, क्योंकि आज सुबह हम लोग को चिल्ला रही थी कि मैं कहाँ ब्लाउज सिलाऊंगी कोरोना में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग दो साड़ी लेके आए, एक नहीं दो। तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है और चलते हैं ऊपर, मतलब मेरे घर पर। ये रही हमारी साड़ी, ये रहे पिताजी। क्या हो गया? अनफॉर्चुनेटली मैं व्लॉग नहीं करूंगी आगे, क्योंकि हम आए थे मम्मी को सरप्राइज देने, पर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। मेरी फ्रेंड संध्या के दादी को एडमिट करना पड़ा, उनको कोविड है, उनका थोड़ा सा सीरियस चल रहा है। सो आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, एंड मम्मी जब नॉर्मल होगी सो आई व्लॉग इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ध्यान रखिए, कोविड बहुत ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाय।